वक्त में साजिश कहाँ है? आप हमको एक बात बता दीजिए, कौन यह कानून कहता है कि पूरी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में है वक्त बोर्ड का, उसके लिए उसी समाज के गरीब हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, उसका कल्याण नहीं होना चाहिए? उसकी कल्याण आवश्यक है। और यह कहाँ वो सरकार कर रही है, चाहे वक्त बोर्ड में कहाँ जो नया कानून आ रहा है उसमें नियम जो बदल रहे, उसमें कहाँ है कि वो सारी संपत्ति हिंदुओं को दे दिया जाएगा? वह तो मुस्लिम समाज को ही वह संपत्ति रहेगी, लेकिन उसके गरीबों को रहेगी, उसके अन्य जो वर्ग है उनको रहेगी, बच्चों को रहेगा, और उसमें महिलाओं का रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सभी प्रतिभागी बने, और उसके लिए न्याय सबके लिए हो। वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों को रख कर करके उसको माने ट्रिब्यूनल का जो था, ट्रिब्यूनल में भी उसके, हमें लगता है कि जो उसके जजेज के रूप में हो, जो उसके कानून के जानकार लोग हो, वह लोग रहेंगे, और सही मायने में पारदर्शी निर्णय होगा, यह सब इससे सहमत होंगे, पारदर्शी होना चाहिए। अब उनकी कहानी की बात मैं नहीं जानता हूँ, लोकसभा में उनके नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री ललन सिंह ने पूर्ण रूप में पुरजोर तरीका समर्थन किया, उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह कानून बनना चाहिए, इसको और पहले बन जाना चाहिए, जिससे और उस समाज के लोगों का कल्याण होता है। क्या हो रहा है बिहारवासियों के साथ, हिंदुओं के साथ? देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है और बस बोर्ड पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रख दी है और कहा है कि ललन सिंह ने जो है इसका समर्थन कर दिया है। सर, बांग्लादेश सर, बिहार सरकार ने, देखिए बांग्लादेश के लिए आपने देखा कि जैसे वहाँ परिवर्तन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी तुरंत वहाँ पहल किया है, और ढाका से हमारे उच्च स्तर के हमारे जो अधिकारी हैं वो भी संपर्क में है, विदेश मंत्री संपर्क में है, कोई भी हिंदू, कोई भी वहाँ के अल्पसंख्यक माने बांग्लादेश में है वो प्रताड़ित न हो, इसके लिए सरकार तत्परता से और ढाका में बड़े अधिकारियों से संपर्क में है। सर, बिहार सरकार ने मंदिर और मठ के जमीन का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। यह तो देखिए, यह तो जहाँ कोई अवैध रूप से कहीं कोई रखा हो तो उसको तो होना ही चाहिए, अवैध रूप से कहीं भी कोई अगर रखा हो जमीन चाहे धन संपत्ति, तो उसको वैध होना ही चाहिए।